कानपुर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए लोग अपने अपने घरों में ही कैद नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शहर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस भयंकर महामारी में भी गरीब और असहाय लोगों के लिए मदद के लिए सामने आए। आपको बताते चले कि कानपुर के दादानगर में स्थित ज्ञान उद्यान इंटर कॉलेज में जनता रसोई का आयोजन किया गया, जहां से प्रतिदिन सैकड़ों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है और गरीबों के बीच वितरित करने का भी काम किया जा रहा है। वहीं आज संस्था के कामों को देखने सांसद सत्यदेव पचौरी पहुंचे, जहां उन्होंने संस्था को एक बोरी आटा और तीन टीन रिफाइंड देकर अपना सहयोग प्रदान किया। वहीं जनता रसोई चला रहे लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के पहले ही दिन से लगातार उनके द्वारा गरीबों और असहाय के लिए भोजन बनाने का काम चल रहा है, जो आगे भी लगातार जारी रहेगा। इस दौरान राजू मौर्य, ज्ञानेंद्र सिंह, जनक श्रीवास्तव, सुनील सिंह, राकेश दुबे, राजू तिवारी, शकील अजय श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। संस्था द्वारा क्या कार्यक्रम किया जाएगा? मेरा नाम वीरेन वर्मा है, मैं इस क्षेत्र का पूर्व पार्षद हूँ और ये क्षेत्रीय जनता द्वारा है। यहाँ की जो क्षेत्रीय जनता है उसने एक मन और निर्णय बनाया है कि इस कोविड-19 महामारी से हम लोगों को किस तरह निपटना है, तो हम लोगों ने इसका एक क्षेत्रीय जनता ने जनता रसोई के नाम से इस रसोई का संचालन कर रहे हैं और क्षेत्रीय जनता ही यहाँ पर योगदान करती है। उसी के योगदान का यहाँ पर जो बनता है वो जनता में ही बढ़ जाता है। इस तरह से हम लोग योगदान कर रहे हैं यहाँ पर संचालन। ये कब से चल रहा है और कब तक चलेगा? ये 23 तारीख से चल रहा है कार्यक्रम लगातार, और ये 3 मई तक, अभी जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है उस हिसाब से हम लोग इसको 3 तारीख तक संचालित कराएंगे। इसके बाद जैसा भी देखते हैं कि क्या आगे क्या दिशा निर्देश मिलते हैं, उसी दिशा निर्देश के आधार पर हम लोग इसका संचालन करेंगे। और हम लोगों की रसोई का कई लोग निरीक्षण कर चुके हैं। अभी कुछ ही देर पहले हमारे क्षेत्र के सांसद माननीय सत्यदेव पचौरी जी, वो भी यहाँ निरीक्षण करके अभी गए हैं। उनको भी हर चीज़ हम लोगों ने आश्वासन दिया है, उन्होंने भी कि आपके क्षेत्र में जो भी दिक्कत परेशानी इस रसोई में आए उसको हम पूरा करेंगे। तो हम तो चाहते हैं कि क्षेत्र के प्रतिनिधि जितने भी हैं वो इस रसोई में आए और यहाँ जनता की समस्या को समझें और देखते हुए जो भी तन मन धन, जो भी सेवा या योगदान जो भी करना चाहते हैं इस रसोई से करें, और हम लोग इस रसोई को इसी तरह से इन्हीं के सहयोग से, और वैसे तो ये क्षेत्रीय जनता के सहयोग से यहाँ पर चल रही है और अभी तक चल रही है, और मुझे ये उम्मीद है और आशा विश्वास कि क्षेत्रीय जनता के सहयोग से ये संचालन हमेशा अभी तक 3 मई तक ये चलता रहेगा। आगे आने वाले जैसे दिशा निर्देश होंगे हम लोग उसी पर कार्यरत होंगे, उसी पर कार्य करेंगे। सांसद जी की तरफ से क्या योगदान रहा? सांसद जी की तरफ से अभी तक यहाँ पर जो जनता रसोई में एक टीन रिफाइंड और एक बोरी आटा आया है, और आज ये बोल गए हैं कि आगे हम और भी व्यवस्था करेंगे, जो भी व्यवस्था है करेंगे।